Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2005 में रिलीज हुई फ्रेंच रोमांटिक फैंटेसी फिल्म एंजल ए के बारे में, जिसके डायरेक्टर है लूक बेसों, जिन्होंने लियोन द प्रोफेशनल और लूसी जैसी कई सारी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। ये फिल्म आंद्रे नाम के एक आदमी के बारे में है, जो अपनी जिंदगी की तकलीफों से परेशान होकर मरने का फैसला करता है, पर तभी उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है जो अपने आप को जैसा बताती है वैसी होती नहीं, और उसके आंद्रे की जिंदगी में आने का मकसद आंद्रे को पता नहीं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 28 साल के आदमी आंद्रे को, जो हमें अपने बारे में बताता है। वो अपने आप को एक आजाद आदमी बताता है और वो एक अमेरिकन सिटीजन है जो फिलहाल पेरिस में रह रहा है। वो अलग अलग देशों में बिजनेस करता है और एक बहुत अच्छा आदमी है, पर ये सब कुछ जो आंद्रे हमें बताता है वो झूठ है, और झूठ बोलना आंद्रे की आदत है। वो एक मोरक्कन आदमी है जिसने एक लॉटरी में ग्रीन कार्ड जीती है। उसने बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं और क्योंकि वो उन पैसों को चुका नहीं पा रहा, कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। जाते जाते वो लोग उसे रात तक का वक्त देते हैं पैसे लौटाने के लिए, जो सुनकर वो वहां से भागता है, पर वहां से उसे फ्रैंक नाम का एक गैंगस्टर पकड़ता है और आइफल टावर से उसे गिराने की धमकी देता है। आंद्रे उससे वादा करता है कि वो रात तक उन सबके पैसे लौटा देगा जिनसे उसने उधार लिए हैं। फ्रैंक उसे कहता है कि उसके आदमी पूरे शहर में है तो वो शहर से बाहर भाग नहीं सकता, और वो उसे छोड़ देता है। आंद्रे अमेरिकन एम्बेसी जाता है और उनसे कहता है कि पुलिस ने उसके सारे पेपर्स और क्रेडिट कार्ड जब्त कर लिए हैं क्योंकि उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी, पर एम्बेसी का आदमी कहता है कि आंद्रे के बारे में सारा डेटा उनके पास है और वो जानते हैं कि अमेरिका में आंद्रे एक चोर हुआ करता था। उसे पास के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी चोरी का गुनाह कबूल करना होगा, सिर्फ तभी उसे उसके पेपर्स वापस मिलेंगे। जब वो आंद्रे की मदद करने से इनकार करता है तो वो गुस्से में उस पर चिल्लाता है, पर इससे बात और बिगड़ जाती है और वो आंद्रे को वहां से जाने के लिए कहता है। जिन लोगों से आंद्रे ने पैसे उधार लिए थे वो उन सबसे बचते बचाते पूरी रात शहर में घूमता है, और सुबह होते ही वो एक पुलिस स्टेशन जाता है, पर वहां जाकर वो कुछ कह नहीं पाता। एक ऑफिसर को वो बताता है कि उसकी जान खतरे में है और वो उन लोगों के पैसे चुका नहीं सकता। वो ऑफिसर से कहता है कि कुछ दिनों के लिए वो उसे जेल में डाल दे ताकि वो सुरक्षित रहे। वो ऑफिसर सोचता है कि ये कोई मजाक है और इस बात पर आंद्रे चिल्लाने लगता है, जिसके बाद उसे वहां से बाहर फेंक दिया जाता है। इस सब से परेशान होकर आंद्रे एक ब्रिज पर जाता है और नदी में कूदने की तैयारी करता है। वो कहता है कि भगवान भी शायद यही चाहते हैं कि वो मर जाए, पर तभी उसे वहां एक लड़की दिखती है जो उसी की तरह वहां से कूदने वाली है। वो लड़की जैसे ही कूदती है आंद्रे भी छलांग लगाता है और उसे बचा लेता है। आंद्रे शांति से मर भी नहीं सकता और इस बात से वो उस लड़की के आगे बड़बड़ाने लगता है। वो लड़की कहती है कि वो भी आंद्रे की तरह ही बदसूरत और दुखी है और इसीलिए मरना चाहती है, पर फिर वो आंद्रे से कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है तो वो जहाँ चाहेगा वो लड़की उसके साथ जाएगी, पर आंद्रे उससे कहता है कि वो अकेले रहना चाहता है और वहां से निकल जाता है। पर वो लौट कर आता है और उस लड़की का नाम पूछता है। उस लड़की का नाम एंजेला है। वो एंजेला से कहता है कि उसके जैसी खूबसूरत लड़की को अपनी जान नहीं देनी चाहिए और उसे अपनी जान देने के बजाय जिंदगी में किसी की मदद करनी चाहिए। एंजेला उसे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी और उसके साथ रहेगी, और आंद्रे जो भी कहेगा बिना बहस किए वो उसके लिए करेगी। ये चेक करने के लिए कि वो लड़की मजाक तो नहीं कर रही, आंद्रे उसे किस करने के लिए कहता है और वो करती है। वहां से एंजेला हर जगह आंद्रे के साथ जाती है। वो उसे बताती है कि वो साउथ की तरफ एक जगह जाना चाहती है। आंद्रे भी उस जगह हमेशा से जाना चाहता था, पर जाने से पहले वो एक काम पूरा करना चाहता है और एंजेला को अपने साथ काम के लिए लेकर जाना चाहता है। वो फ्रैंक से मिलता है और उससे कहता है कि वो एक बिजनेस शुरू कर रहा है और काम होते ही उसके पैसे लौटा देगा। वो एंजेला को अपनी बिजनेस पार्टनर बताता है। फ्रैंक आंद्रे को 6 घंटों का टाइम देता है, पर बीच में एंजेला कुछ कहती है। फ्रैंक का ध्यान एंजेला पर चला जाता है और फिर एंजेला कहती है कि वो जानती है फ्रैंक को एंजेला चाहिए। आंद्रे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एंजेला उससे कहती है कि वो फ्रैंक को एक ऑफर देगी जिसे वो ठुकरा नहीं पाएगा।
एक घंटे बाद एंजेला आंद्रे को मिलती है और उसे बताती है कि फ्रैंक ने उसका कर्ज माफ कर दिया है और कुछ पैसे भी दिए हैं। आंद्रे समझ नहीं पाता कि एंजेला ने ऐसा क्या किया जो ये सब कुछ हुआ, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। वो बस कहती है कि इन पैसों से वो बचा हुआ कर्ज चुका सकता है, पर आंद्रे ने कभी उसे इस कर्ज के बारे में बताया ही नहीं था। एंजेला को आंद्रे के बारे में सब कुछ पता था और वो उससे अपनी सारी तकलीफें भुलाकर खुलकर जीने के लिए कहने लगती है। वो जबरदस्ती आंद्रे को एक बोट पर ले जाती है और उसे बताती है कि रात को वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है और आसमान से नीचे देखते हुए तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। वो आंद्रे से कहती है कि अगर उसने 5 मिनट में इतने पैसे कमा लिए हैं तो वो दोनों साथ मिलकर कितने पैसे कमा सकते हैं। और ऐसे ही वो दोनों एक पब में जाते हैं जहाँ एंजेला पैसे कमाने के लिए दूसरे आदमी ढूंढती है। तब आंद्रे उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो नहीं चाहता एंजेला पैसों के लिए ये सब कुछ करे, पर वो नहीं मानती और अपना काम कंटिन्यू करती है जिससे आंद्रे को पैसे मिलते जाते हैं। पर आंद्रे ये सब नहीं चाहता था और नशे में वो एक आदमी से हाथापाई कर लेता है। होश में आने के बाद आंद्रे एंजेला को लेकर पेड्रो नाम के एक आदमी के क्लब में जाता है उसके पैसे लौटाने, और एंजेला से कहता है कि वो वहाँ कुछ ना करे और चुपचाप बैठी रहे। पेड्रो को पैसा लौटाने पर वो आंद्रे को एक टिप देता है जिससे वो फिर से घोड़ों की रेस पर सट्टा लगा सके। एंजेला उसे कहती है कि उसे ये टिप नहीं लेनी चाहिए, पर आंद्रे उसकी नहीं सुनता और जिस घोड़े पर आंद्रे ने पैसे लगाए थे वो घोड़ा रेस हार जाता है और आंद्रे सारे पैसे गवा देता है। एंजेला के बचाए कुछ पैसों से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। वहाँ बातें करते हुए एंजेला उसे बताती है कि वो उससे जब ब्रिज पर मिली उससे पहले वो आसमान से जमीन पर गिरी थी और वो एक एंजल है। आंद्रे उसकी अजीबोगरीब बात नहीं मानता क्योंकि एक एंजल ऐसी हो ही नहीं सकती। वो तब उसे बताती है कि वो आंद्रे की मदद करने आई है और उसे समझाने आई है कि वो दुनिया से और खुद से कुछ ज्यादा ही झूठ कहता है। आंद्रे इस बात को मजाक में उड़ा देता है ये कहकर कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान एंजेला को उसे संभालने का केस दे, पर एंजेला अपनी बात पर टिकी रहती है। उसे रोता देख आंद्रे उससे कहता है कि ऐसी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है और उसे प्रूफ चाहिए इस बात का कि एंजेला सच कह रही है। और उसे वो प्रूफ मिल जाता है। एंजेला सचमुच एक एंजल है जिसे आंद्रे के लिए भेजा गया है क्योंकि आंद्रे एक अच्छा इंसान है। और एंजेला उससे कहती है कि असल में एंजेला आंद्रे ही है। वो बाहर से जैसा भी दिखता हूँ अंदर से बिल्कुल वैसा ही है जैसी एंजेला है। वो उसकी मदद करना चाहती है और उसके अंदर की पर्सनालिटी बाहर लाना चाहती है जिससे वो झूठ बोलना बंद करे और मर्द बनकर अपनी प्रॉब्लम से लड़े। हिम्मत करके आंद्रे कुछ गुंडों से बचकर निकलता है और इसमें एंजेला उसकी मदद करती है। आंद्रे एंजेला के बारे में और जानना चाहता था और एंजेला उसे एंजल बनने से पहले की अपनी जिंदगी के बारे में बताती है जहां वो अकेली अपने भाई बहनों को पाल रही थी और 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। आंद्रे एंजेला की इस झूठ पर भरोसा कर लेता है और फिर हंसकर एंजेला उससे कहती है कि वो अपने बारे में जो भी कह ले आंद्रे की जिंदगी नहीं बदलने वाली और उसे अपनी जिंदगी सुधारनी चाहिए। रही बात एंजेला के अतीत की तो उसे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। एंजेला उसे खुद से प्यार करना सिखाती है और कहती है कि वो भी खूबसूरत है, बस वो ठीक से अपने आप को देख नहीं रहा। वो खुद से प्यार नहीं कर पा रहा क्योंकि किसी और ने कभी उससे प्यार नहीं किया। एंजेला की बातें सुनकर आंद्रे फाइनली अपने आप से प्यार करना सीख जाता है और आईने में अपने आप को आई लव यू कह पाता है। आंद्रे एंजेला से कहता है कि वो नहीं चाहता एंजेला फिर से उसके लिए गंदगी में घुसकर पैसे कमाए, पर फिर एंजेला उसे बताती है कि सच में उसने वो पैसे कैसे कमाए थे। ये सुनकर आंद्रे बिना हिचकिचाए वो पैसे खर्च करने लगता है और वो रात वो दोनों एक महंगे होटल में बिताते हैं। उस रात आंद्रे एंजेला से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। ये सुनकर एंजेला उससे कहती है कि उन्हें अभी जाकर फ्रैंक से मिलना होगा और काम खत्म करना होगा ताकि वो वापस अपने घर लौट सके।
आंद्रे उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है। एंजेला भी उससे प्यार करने लगी है पर वो मानना नहीं चाहती। उसकी जिंदगी उलझ जाएगी अगर वो आंद्रे से प्यार करने लगे और इसीलिए वो अपना काम जल्दी खत्म करना चाहती है। वो आंद्रे को लेकर फ्रैंक के पास जाती है और उससे कहती है कि आंद्रे उससे कुछ कहना चाहता है। आंद्रे से डरकर फ्रैंक उससे माफी मांगने लगता है पर फिर आंद्रे उससे कहता है कि गलती उसी की है और उसे कभी फ्रैंक के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है कि एक एंजल के उसकी लाइफ में आने के बाद अब वो बदल गया है और फ्रैंक की गंदगी से बाहर आना चाहता है। वो दुनिया की खूबसूरती अब देख सकता है और अपने आप से प्यार करता है। जिंदगी में पहली बार वो अपने आप को फ्रैंक से बेहतर मान रहा था और फ्रैंक को उसकी औकात बताकर और दूर रहने के लिए कहकर वो वहां से निकलता है। पर इससे पहले कि वो एंजेला को ये सब कुछ बता पाता वो वहां से चली जाती है। आंद्रे उसे हर जगह ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। काफी देर तक उसे ढूंढने पर वो आंद्रे को उसी ब्रिज पर मिलती है जहां वो उसे पहली बार मिली थी। जब वो उसे मिलती है तो वो कहती है कि अगर वो वहां और रुकी तो उसे एंजल की नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आंद्रे उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है पर एंजेला कहती है कि वो पहले से उसके आने वाली जिंदगी के बारे में जानती है। कुछ महीनों में आंद्रे एक अमीर बिजनेसमैन बन जाएगा और उसे कैटरीना नाम की एक लॉयर मिलेगी जिससे वो शादी करेगा। पर आंद्रे जिद करके उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसने आंद्रे को सिखाया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और अब वो खुद से झूठ कह रही है। ये सब सुनकर एंजेला रोने लगती है और रुकने का फैसला कर लेती है। पर तभी एंजेला को वापस बुलाया जाता है। उसे रोकते हुए आंद्रे उसे पकड़ लेता है और इसी बीच वो दोनों उस नदी में गिर जाते हैं और आंद्रे उसे खो देता है। आंद्रे को लगता है कि एंजेला वापस चली गई है और इस बात से वो दुखी हो जाता है। पर तब उसे एंजेला पानी से बाहर आती दिखती है और जब वो बाहर आती है तब उन्हें पता चलता है कि आंद्रे की वजह से अब एंजेला एक इंसान बन गई है और अब वो आजाद है। ऐसे ही एंजेला और आंद्रे ने एक दूसरे से प्यार करके एक दूसरे को आजाद कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।